अगर देश में आज चुनाव हुए तो एनडीए को कितने प्रतिशत वोट मिल सकता है, इंडिया गठबंधन के पाले में कितने प्रतिशत वोट आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर आज चुनाव हुए तो इंडिया टुडे देश का मिजाज सी वोटर सर्वे कहता है कि एनडीए को 51.5% वोट मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं और अदर्स को 10.5% वोट मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इन प्रतिशत को सीटों में अगर बदलें तो ये सीटें कितनी होती हैं? अगर देश में आज के दिन चुनाव हो जाए तो इंडिया टुडे देश का मिजाज सी वोटर सर्वे कहता है कि एनडीए को 32 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें और अदर्स को 0 सीटें मिल सकती हैं। फिर आप कहेंगे कि अगर इन प्रतिशत को पार्टी वाइज बदल दिया जाए तो पार्टी वाइज कितनी सीटें मिलेंगी। पार्टी वाइज अगर गौर करें तो बीजेपी को यहां पर 17 सीटें मिल सकती है, जबकि जेडीयू प्लस एलजेपी को 15 सीटें मिलेगी। इतना ही नहीं, आरजेडी प्लस लेफ्ट को 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स के खाते में 0 सीट होगी। इस पूरे सर्वे में हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है। आपको यह भी बता दूं कि यह सर्वे कहता है कि अगर आज के दिन चुनाव हो गया तो आरजेडी को फायदा होगा, जबकि एनडीए को यहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एनडीए की सीटें 2019 में 39 थी, जो घटकर अब सिर्फ 32 रह जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें 1 थी, जो बढ़कर 8 हो जाएगी। एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ तो आ गए हैं, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के इधर आने का फैक्टर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि आंकड़े सीटों के ये बताते हैं कि जेडीयू और एलजेपी को यहां नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी ने पिछली बार भी 17 सीटें जीती थी, तो इस बार भी उनकी सीटें बराबर ही रहेंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।